गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस यहाँ पर दोपहर के 1 या 2 बज रहे होंगे। उस टाइम बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और हल्की हल्की सी बारिश में ना अद्विक बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अद्विक को बहुत ज़्यादा खेलने में मज़ा आ रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा खासा हो रखा था। एक्चुअली आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो इस तरह से मौसम हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की सी बारिश हो रही थी इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसे खेलने दे रहे थे। थोड़ी देर में ही इसे अंदर लेके जाएंगे क्योंकि जुकाम होने का भी डर लगता है। और हाँ, आज बनने वाली है यहाँ पर बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता ना, इसी वजह से आज बनने वाली है दही पूरी। तो दही पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और दही पूरी का नाम लेने के बाद किस किस के मुंह में पानी आ गया ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने दही लिया है एक मिक्सी के जार में, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है और ये जीरा पाउडर ऐड किया है और उसमें थोड़ा सा मैंने बाद में काला नमक ऐड किया था और इसे अच्छे से पीस लूँगी। मतलब इसका पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा आप फेंट भी सकते हो उसे। और उसके बाद मैंने आलू बॉयल किया था, एक एक आलू बॉयल करने के बाद उसमें जो स्प्राउट्स होते हैं वो डाल दिए, ये भी थोड़े से हल्के से बॉयल कर लिए थे और ये डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसमें ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। कुछ कुछ लोग ऊपर से डालते हैं बट मैंने इसे ही मैं ऐड कर दिया था लाल मिर्च पाउडर भी। आप लोग चाहो तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, सारा कुछ मतलब उसमें स्टफिंग भरने के बाद भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो आलू मैंने थोड़ा सा वो नहीं किया था, स्मैश नहीं किया था, तो वो स्मैशर से स्मैश करना है। यहाँ पर मैंने चम्मच से ही कर लिया था तो वो हो रहा है यहाँ पे। और मैंने काला नमक भी बाद में डाल दिया है इसमें दही में। दही हमारा रेडी है, स्टफिंग हमारी रेडी है, बस हमें अभी गोलगप्पे जो है वो तोड़ने हैं और इसमें स्टफिंग भरनी है और बाकी सारा कुछ भरना है। तो बस यहाँ पर गोलगप्पे जितने खाने हैं आपको उतने प्लेट में डाल देना है तोड़ के और उसमें स्टफिंग भरनी है। सारे गोलगप्पे ना मैंने एक ही प्लेट में डाल दिए थे क्योंकि दूसरे दूसरे प्लेट में डालो और हमें ना ये बेडरूम में लेके जाके खाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है काम, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर हम लोग खा नहीं सकते तो हमें बेडरूम में लेके जाके खाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक ही प्लेट में डाल दिया, सारा कुछ बना लूँगी और उसके बाद हम लोग बेडरूम में जाके ये सब लोग मिलके खाने वाले हैं। तो बस इसी तरह से आपको सारे इसमें स्टफिंग भरनी है। उसके बाद जो दही बना के हमने रखा है वो दही उसमें ऐड करना है आपको। दही अच्छे से ऐड कर देना है सभी चीज़ों में और उसके बाद आपको इमली चटनी ऐड करनी है। और इन्होंने इमली चटनी बाहर से ही लाई थी, नहीं तो आप खटाई घर पे भी बना सकते हो। घर पे बनी हुई भी खटाई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती थी, बट अभी टाइम नहीं है इसीलिए इन्होंने बाहर से ही सारा कुछ लेके आए थे। बट ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में प्याज को, तो वो चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर डालना है हमें जो बारीक नमकीन नहीं आते हैं वो डालने हैं, जो मैंने साइड में रखे हैं अभी ये कंटेनर में। और ये एयरटाइट कंटेनर में ही रखने पड़ते हैं, नहीं तो जल्दी से वो हो जाता है, नरम हो जाता है। और इस नमकीन को आपको ज़्यादा डालना है, मतलब भर भर के डालना है, और इस तरह से आप डाल दोगे ना तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। यहाँ पर हमारी दही पूरी या शेवपूरी भी आप लोग इसे बोल सकते हो, तो ये बन के रेडी है। हम लोग अभी इंजॉय करते हैं इसे और आप भी आ जाइए खाने के लिए। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और 7:30 बज रहे हैं अभी, तो हम लोग निकलने वाले हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और जो भी शॉपिंग करेंगे वो आपको दिखाएंगे, मतलब उधर से आने के बाद दिखाएंगे। बट अभी जा रहे हैं, निकलने वाले हैं। एक्चुअली सभी लोग कब से रेडी हो गए थे और मैं ही नहीं हुई थी क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को तो पता ही है। क्लीनिंग की मैंने, उसके बाद मैं नहाने गई, अभी रेडी हुई हूँ और ये वाला ड्रेस पहना है। तो इसके बारे में भी डिटेल में आपको बाद में पता चलेगा कि कहाँ से लिया है, क्या लिया है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैक्सी ड्रेस है और कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पर ये झूमर ना, मतलब झूमर नहीं बोलूँ, जो डोर पे नहीं लगाते हैं तोरण, तो वो निकाल के रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल बैठ रही थी उस पर, तो निकाल के रखा था तो धो के रखा था मैंने, तो यहाँ पर टांग दिया है। अभी बैकग्राउंड में दिख गया तो मुझे इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको। और हाँ, चलिए निकलती हूँ क्योंकि बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे हैं और जाके जल्दी से आना भी है, तो वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लेने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। I know where we can go.
यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर गाड़ी रुका के ये पूछने गए हैं, मतलब हमें लेना है केक मेकिंग का सामान, तो इसी वजह से ये पूछने गए कि कौन सा दुकान है यहाँ पे। हम लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, हमें एड्रेस तो यही का बताया गया था बट पता नहीं अभी मिला क्या। अरे नहीं ना नहीं सिटी बोल तो लीजिए, उधर है बोल रहे हैं। ठीक है देखते हैं आगे जाके। फाइनली इतना ढूंढने के बाद ये शॉप मिल ही गई, और ये शॉप मिलने के बाद हम लोगों को जो जो चाहिए था वो हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम केक बनाने वाले थे मतलब घर पे, तो सारा कुछ चाहिए था तो सारा कुछ यहाँ पर ले लिया। जो जो वो दे रहे थे वो लेते जा रहे थे हम लोग, और कुछ कुछ मुझे पता भी था एक्चुअली, मैंने देखा हुआ है कि क्या क्या सामान चाहिए, तो कुछ कुछ मैंने नहीं लिया, कुछ कुछ चाहिए था मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ही लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टीन है मतलब केक टीन, तो इसके सेट ही आता है, ये तीन का सेट आता है, तो ये मैंने सेट नहीं लिया, इसमें से एक एक ही लिया, जो मुझे जिस साइज़ का मैं ज़्यादा बनाऊँगी उसी साइज़ का लिया है। और ये थोड़ा सा महंगा था, जो पीछे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा महंगा था, क्योंकि ये मोटा भी था और ये बहुत ज़्यादा पतले पतले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा वो वाला लेने से मतलब जो मोटा वाला लेने से अच्छा है, ज़्यादा हम लोग केक तो बनाते नहीं हैं, इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, वो तो वो ले लिया मैंने। एक्चुअली सभी चीज़ के प्राइस पूछ पूछ के लेनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। और हाँ, ये जो आपको टीन दिख रहा है केक टीन, तो ये आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस चीज़ के लिए है। तो मैं बता दूँ कि ये जो केक टीन है ये इससे डॉल केक बनता है, तो जब मुझे डॉल केक बनाना हो तब मैं ये ले लूँगी। अभी तो सिर्फ मैंने इसे देखा लिया नहीं। फाइनली यार सामान मिल गया सारा केक का और अच्छा लग रहा है। चलो अभी माही केक बनाती रहेगी और हम लोग केक खाते रहेंगे, है ना माही। चलो माही का शौक तो भी पूरा हो जाएगा केक बनाने का, और कभी कभी मैं भी बना लूँगी। आप लोग बोल रहे थे ना कि केक सीख लो मैम बनाना, तो चलो मैं भी मतलब थोड़ा सा ट्राई करूँगी केक बनाना। यार बंद क्यों किया माही, ये बंद हो गया, वो ऑटोमेटिक हो गया क्या बंद? और यहाँ पर गाड़ी और रोकी है हमने, क्योंकि ये गए हैं चिकन लाने, और आज बनने वाला है घर पर जाने के बाद चिकन। यहाँ से जाने के बाद मुझे और चिकन बनाना पड़ेगा यार, यहाँ से जाने के बाद ना थक जाती हूँ, ऐसे कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो थक जाती हूँ, तो इसीलिए ना बाहर, हाँ घर पे जाने के बाद कुछ बनाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि कहीं बाहर ही कुछ खा ले। बट इनको आज चिकन खाने का मन कर रहा है, तो इसी वजह से आज चिकन बनाना पड़ेगा घर पे जाने के बाद। तो यहाँ से तो पता है सामान एक ही जगह पे मिल गया सारा कुछ, मतलब हमें लगा था कि सारे दुकान घूमने पड़ेंगे हमें, बट यहाँ पर सारा सामान मिल गया जो चाहिए था वो। लेकिन वो केक का बेस नहीं रहता है, मतलब जो कार्डबोर्ड टाइप का नहीं रहता है, हाँ सिल्वर या गोल्डन कलर का, तो वही नहीं मिला है सिर्फ, तभी वही तो इम्पोर्टेंट होता है, तो वही नहीं मिला। अभी देखेंगे क्या होता है, तो कल आने के लिए बोला है उन्होंने। और हाँ ये सारी तैयारी चल रही है इनके बर्थडे के लिए, सारा कुछ बता दिया बट यही नहीं बताया कि इनके बर्थडे के लिए तैयारी चल रही है। 16 को इनका बर्थडे है, तो उसी के लिए तैयारी चल रही है ये। हमने सोचा कि चलो माही को अभी केक बनाने का शौक चढ़ ही गया है, तो उसके पापा के लिए अभी बर्थडे का भी केक वही बनाएगी, तो इसीलिए ये सारी तैयारियाँ चल रही है। अभी देखेंगे इतना सारा सामान, उससे अच्छा तो ये भी बोल रहे थे कि इतना महंगा सामान लेने से अच्छा है उसमें कितने सारे केक आ जाते हैं। अभी ये 2000 तक का सामान हो गया है हमारा, ये बोल रहे थे कि इतने सारा सामान लेने से अच्छा है कि केक आ जाता उसमें, मतलब कितने सारे केक आ जाते उसमें, बट क्या कर सकते हैं, शौक चढ़ाया तो अभी थोड़ा सा सीखना भी ज़रूरी होता है, कुछ भी सीखने के लिए थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो चलिए अभी घर पे जाने के बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर अभी कितने देर रुकना पड़ेगा हमें पता नहीं है, आएंगे तो चले जाएंगे घर पे, घर पे जाने के बाद बात करती हूँ आपसे। अब अद्वी दीदी की वॉच क्यों पहनी है बताओ पहले, मेरी वॉच बंद वॉच पहनी है उसने। अद्वी अद्वी टाइम बताओ, अद्वी ये वॉच क्यों पहनी है दीदी की, क्यों गुस्सा हो, अद्वी अद्वी दीदी की वॉच क्यों पहनी है अद्वी दीदी की वॉच क्यों पहनी है, ए अद्विक गुस्सा है अद्विक, इधर देखो इधर तो देखो, नहीं हम लोग घर पे आ गए थे और मैंने चिकन भी बना लिया है। एक्चुअली चिकन स्टीम हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा जब तक चिकन वहाँ पर पकता है तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आप लोगों को ये वाला ड्रेस भी दिखा देती हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने मीशो से परचेस किया है, ये ड्रेस एक कॉम्बो है,
इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बट मैंने रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो लिया है, तो आपको ब्लैक भी दिखा देती हूँ। आज मैंने रेड पहना है तो रेड भी आपको दिखा देती हूँ। पहले एक्चुअली एज अ ड्रेस पहना है इसे। मेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, इसी वजह से मुझे ये एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर होता है, बट जिसके हाइट कम है तो उनको ये मैक्सी ड्रेस होगा। ये आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो और आप ये एज अ कुर्ती भी पहन सकते हो। और हाँ, ये इसका मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये है ब्लैक कलर में और ये भी काफी ज्यादा प्यारा लगता है ब्लैक कलर में। पहन के मैंने देखा था तो ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है। और इसमें मैंने साइज लिया है एम। तो आपकी जो साइज है आप अपनी रियल साइज ही डालना उसमें, क्योंकि मेरी साइज एम है तो मुझे लगा था कि इसमें पता नहीं एम आएगी या नहीं आएगी मुझे, बट मैंने ऑर्डर कर दिया था, बट ये अच्छे से आ गई है। मतलब फिटिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे इसकी, तो ये अच्छे से फिट आ गई है। और इसमें एक बेल्ट दिया होता है, ये इस तरह से बेल्ट है और जॉर्जेट का मटेरियल है इसका, मतलब जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का है इसका, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब वॉश करने में इजी जाता है, इसका कलर वगैरह नहीं जाता है। और हाँ, मैंने मैक्सी भी कुछ मेरे लिए परचेस किया है तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अगर ये आज दिखाने बैठ गई ना तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि वो शॉपिंग आपको कल दिखाऊँ। जो केक का सामान लाया है वो तो थोड़ी सी क्लिप आपने देखी ली है, वो भी मैं आपको पूरा केक का सामान कल दिखाऊंगी, तो वो कल के व्लॉग में आप देख लेना। बट आज मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाने वाली हूँ। और जो हाउसवाइफ मुझे देख रही है, जो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है अपने भरोसे पे, कुछ कमाना चाहती है, तो उनके लिए मैं आज क्लिप ऐड कर दूंगी आपके लिए। आप मीशो से जीरो इन्वेस्टमेंट पे कुछ कर सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकती हो, पैसे कमा सकती हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको मीशो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं और बस आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप बिजनेस वहां से कर सकते हो। और मीशो डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। कोई भी किसी को पैसे मांगने की आपको जरूरत नहीं है, ना तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे मांगने की जरूरत है, ना तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप जब कमाओगे तो खुद के खर्चे के लिए आपको पैसे मांगने की जरूरत है किसी को। तो इसी वजह से आप आगे क्लिप देख लीजिए, मैं जो क्लिप दिखाने वाली हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से वहां से बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। और जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपना नंबर डाल के साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये ऐप ओपन होगा और इसमें आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए, सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे और वो भी बहुत ही कम दाम में। जैसे कि मुझे ये कुर्ता पसंद आ गया था और मुझे इसे सेल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है शेयर नाउ का, उस पर क्लिक करना होगा, उसको मुझे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन और इसके इमेज मुझे शेयर करनी होगी। अगर किसी को ये कुर्ता पसंद आता है तो आपको उससे उसका साइज जानना है और उसका साइज ऐड करने के बाद उसे कंटिन्यू करके ऐड टू कार्ट कर देना है। फिर आपको राइट हैंड साइड में जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ट्रॉली का, उस पर क्लिक करके आपको कार्ट में चले जाना है और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, फ़ोनपे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने कुर्ता सिलेक्ट किया था वो कुर्ता आ गया है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लैंक जगह दिख रही है कैश टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो उसमें अपना मार्जिन डाल के आपके कैश डाल देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 599 लिख दिया है तो इसमें मेरा मार्जिन जो है वो नीचे आ जाएगा, 168 जो मेरा मार्जिन है वो नीचे आ गया है। ऐसे ही 431 का कुर्ता आप 599 में बेच सकते हो। आप जितना भी मार्जिन इसमें ऐड करना चाहो उतना मार्जिन आप इसमें ऐड कर सकते हो और जितना अमाउंट आता है, टोटल कॉस्ट जितनी आती है वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको एड्रेस मांगेगा, तो आप अपने कस्टमर का एड्रेस दे के उस एड्रेस पर ये मंगा सकते हो। अगर आपको ये खुद के लिए मंगाना है तो जो टोटल कॉस्ट है वही आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी और इसमें आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तो ये आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो बस इसी तरह से आप वहाँ से बिजनेस कर सकते हो और उसके बाद आपकी घर बैठे कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग तब तक डिनर कर लेते हैं। तो गाइज, हम लोगों का डिनर हो गया है और डिनर होने के बाद हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग अभी ले रहे हैं आजकल ये तुलसी मंत्र का काढ़ा और ये तुलसी मंत्र का ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप, तो ये ले रहे हैं आजकल। इससे ना रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और आजकल आप लोगों को पता ही है सिचुएशन कैसी है, कोरोना की वजह से हमें रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा एंड ये तुलसी मंत्र ड्रॉप्स है। तो इससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
हम रात को सोने के टाइम सभी लोग ये वाला काढ़ा ले रहे हैं और ये तुलसी मंत्र का जो ड्रॉप है वो पानी में मिला के या चाय में मिला के पी रहे हैं। तो ये आप पानी में या चाय में मिला के पी सकते हो, और अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको ये एक या दो बूंद डाल के आप पिला सकते हो, और अगर आपके घर में बड़े रहे इसे तो आप ये दो से तीन बूंद डाल के इसे पी सकते हो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है, ये आपके श्वसन स्वास्थ्य में सुधार लाता है, खांसी और जुकाम से राहत दिलाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। इसमें ये सारे गुण हैं, हम लोग सभी आजकल ये ले रहे हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये जो काढ़ा है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे लोग होममेड काढ़ा बना के पी रहे हैं, तो ये काढ़ा आप ट्राई कर सकते हो और ये तुलसी मंत्रा भी आप ले सकते हो। इन दोनों को आपको अगर परचेस करना है तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, और नहीं मिला मार्केट में आपके यहाँ पे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके भी परचेस कर सकते हो इसे। तो बस ये अभी बना लेती हूँ मैं और पी के हम लोग सो जाते हैं। यह है तुलसी मंत्र आयुष काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर, और इसमें तुलसी, दालचीनी, शुंठी, कृष्णा मिर्च ऐसे जड़ी बूटियाँ मिली हुई है। और ये है तुलसी मंत्रा तुलसी ड्रॉप, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है। 5 प्रकार की तुलसी का अर्क इसमें मिला हुआ है, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और शुक्ला तुलसी, इस तरह से 5 तुलसी का अर्क इसमें है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। इसको रोजाना लेने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे। और ये जो आयुष काढ़ा है इसे आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो, बट हम इसे रात को सोने के टाइम लेते हैं और घर के सारे मेंबर इसे पी सकते हैं। हम सभी लोग इसे लेते हैं और इस तरह से 2 ग्लास पानी में ये आयुष काढ़ा डाल देना है आपको 1 से 1.5 चम्मच, और उसको मिला लेना है अच्छे से। इसे बॉईल होने देना है थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट तक इसे बॉईल होने के बाद इसे छान लेना है और इसे अच्छे से गरम गरम ही पीना है, सिप सिप करके आपको पीना है इसे। ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको काफ़ी सारे बीमारियों से भी दूर रखता है, तो इसीलिए इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे पीना। तो हम लोग सभी लोग इसे पीते हैं, जैसे हम लोग ब्लैक टी पीते हैं उसी तरह से इसका टेस्ट है। बच्चों को भी आप दे सकते हो, बच्चे भी आसानी से पी लेंगे इसे। चलिए अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और चेंज करती हूँ और बस सो जाती हूँ। और हाँ, ये ड्रेस अगर आपको पसंद आता है तो इसका लिंक मैं दे नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर लिंक नहीं आ जाता है, तो मैंने इसका प्रोडक्ट कोड आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप मेरा टाइटल क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे, आपको वहाँ पर इन दोनों का लिंक भी मिल जाएगा और इसका प्रोडक्ट कोड भी मिल जाएगा, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ 2 और चैनल हैं मेरे, तो वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।